वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। महाराष्ट्र का एक वीडियो इतना वायरल हो चुका है ताकि ये युवक अजीत पवार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनके विरोध गले में नोटों की बंडल डालकर यहां पर पंचायत के आगे आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये आंदोलन बहुत सारे लोग मिलकर करना वो आंदोलन कहते हैं। ये अकेला एक युवक गले में पैसे के बंडल डालकर यहाँ पर उड़ा उड़ा कर इस पंचायत के आगे इनके विरोध आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये आंदोलन मराठी में ये कह रहा है ताकि गोर गरीब आप तो गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर ही रह जाएगा। आखिर हर दाम के चीज के लिए कहकर ये आंदोलन कर रहा है और सारे यहाँ पंचायत के आगे इतने नोट फाड़ फाड़ कर उड़ा रहा है ताकि आप इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं ताकि कितना सोचा होगा ये युवक सरकार के बारे में एकनाथ शिंदे के लिए यहाँ पर जो इन्होंने इतना आक्रोश पे आकर गले में नोट के जो माला लगाकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं इस ऑफिस के आगे और यहाँ पर जो पंचायत के अंदर जो कामगार है प्रशासन है वो सभी लोग आकर खड़े होकर देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी कर रहे हैं। आखिर कितनी सोच रखी होगी जो गोर गरीबों के लिए जो इतने जो मेहनत के पैसे लाकर इस पंचायत के आकर उड़ा रहे हैं। आखिर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आज उनको भी यही कह रहे हैं और साथ साथ इन सरकार के विरोध भी यही कह रहे हैं। कई इंजीनियरों का नाम ले रहे हैं, कहीं लोगों के नाम लेकर आक्रोश पे आ रहे हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। रोजगार सेवकांचा रेट ठरलेला आहे, इंजिनियरचा रेट ठरलेला आहे, जिओ टॅगिंगचा रेट ठरलेला आहे आणि 60-60 हजार रुपये 4 लाख विहिरीच्या मंजुरीसाठी लागत आहे। अजित पवार साहेब, अहो एकनाथ शिंदे साहेब, तुम्ही बार बंद केले असं आम्ही ऐकलंय। बार मध्ये नाचणारीवर जो पैसा फेकला जातो तो बेवारस पैसा असतो, पण हा कष्टाचा पैसा आहे, गोरगरीब शेतकऱ्याच्या घामाचा पैसा आहे। शेतकऱ्याचा कापूस अजून विकला गेलेला नाहीये, शेतकऱ्याच्या घरात पोरीचा